आज ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, आज सिर्फ हमने जनता तक ये बात पहुंचानी है कि कैसे आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। आप धूप में, आप धुंध में, ठंड में, गर्मी में खड़े होकर पोलिंग बूथ पर लाइन में लगकर वोट डालते हो कि ये मेरा पसंदीदा नेता है, मैं इसको अपने हलके से विधानसभा भेजूंगा तो अच्छे कानून बन के आएंगे, मेरे इलाके का काम होगा। लेकिन मोदी साहब, ये भाजपा वाले ये चाहते ही नहीं है इनके बिना किसी और की गवर्नमेंट बन जाए। अगर चुनाव से भाजपा की गवर्नमेंट किसी राज्य में नहीं बनती तो ये उपचुनाव से बना लेते हैं, उसके 25 खरीद लो, 30 खरीद लो, फिर दोबारा उपचुनाव करवा लो, बाई इलेक्शन करवा लो, फिर कह दो राज्यपाल को सुबह 4 बजे जगा लो, जी ओथ सेरेमनी है, एक बार मुख्यमंत्री को ओथ दिलवा दो, बाकी बाद में देख लेंगे। ये चल रहा है बीजेपी, भारतीय जुगाड़ू पार्टी, ये जुगाड़ करते रहते हैं कोई ना कोई। तो उसी तरह से दिल्ली में सरकार है, आप लोगों ने वोट डाले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो अगर वो काम ही नहीं कर पाएंगे, अगर वो अफसरों को ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, अगर वो किसी भ्रष्ट अफसर की बदली नहीं कर पाएंगे, उनको सस्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो सिस्टम कैसे चलेगा, तो सिस्टम कैसे चलेगा। ये कहते ही नहीं, हमारा हमारा ही बस अधिकार होगा। ये अकेला दिल्ली की 2 करोड़ जनता का सवाल नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता का सवाल है। दिल्ली में हर प्रदेश का आदमी रहता है, यहां कर्नाटक से लोग भी रहते हैं, बंगाल से भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, यूपी से भी रहते हैं, उत्तराखंड से, पूरे देश से दिल्ली में लोग बसते हैं, दिल्ली देश का दिल है। तो इनकी यह हिम्मत कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दें कि नहीं जी अरविंद केजरीवाल की चलने नहीं देंगे। अब ये दरियाओं को रोका नहीं जा सकता मोदी जी, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं, हुकूमत वो करते हैं। ये आज का इकट्ठ देखकर अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आप दिलों पर राज कर रहे हैं, इसीलिए इस 42 डिग्री टेम्परेचर में लोग आए हैं। अभी 15-20 हजार लोग आ रहे हैं रास्ते में, बसें बहुत दूर दूर तक खड़ी हैं। ये प्यार है, ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए आपका प्यार है। इसी प्यार की वजह से हमारे हौसले बुलंद है। हम पूरे देश में गए, जहां जहां गए आप लोगों के अधिकारों की बात की और हमें समर्थन मिल रहा है। ये ऐसा कपिल सिब्बल जी, ये तो फिर भी चलो इन्होंने कर रखा है कि एलजी है, ये फुल स्टेट है पंजाब। हमारा राज्यपाल हमें बजट सेशन बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, जी बजट सेशन बुलाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बजट सेशन होगा, इजाजत दो। बजट सेशन के पहले 4-5 दिन पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, जो सरकार की प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, वो लिखकर गवर्नर को दी जाती हैं कि मेरी सरकार ने यह किया, मेरी सरकार ने यह किया। तो उसने कहा हाउस में आके, कहता मैं इसमें मेरी सरकार नहीं कहूंगा। मैंने कहा फिर किसकी सरकार है? कहता माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। मैंने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा फिर दोबारा, यू हैव टू से दैट, ये मंत्रिमंडल द्वारा पास किया हुआ भाषण है, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाई वर्ड। बोला भाई साहब, फिर बोलना पड़ा। तो ये हर स्टेट के कोई ना कोई डिक्का, कोई ना कोई अड़चन करते रहते हैं, ये नहीं चलेगा। तो आज की ये अध्यादेश को बचाने की, ये लोकतंत्र को बचाने की रैली है। कहने को तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, लेकिन है लोकतंत्र, कहीं पे लोकतंत्र बचा है? भाई साहब, जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा, 140 करोड़ लोगों को इकट्ठे होके देश को बचाना पड़ेगा। ये देश
शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव चंद्र शेखर आजाद, अशफाक उल्ला, सुभाष चंद्र बोस, हजारों हजारों शहीदों ने कुर्बानियां लेकर यह देश लेकर दिया था। यह किसी के बाप की जागीर नहीं है कि मैं ही इस पे राज करूंगा, मैं ही इस पे राज करूंगा। यह देश 140 करोड़ लोगों के पुरखों ने लेकर दिया है, बुजुर्गों ने लेकर दिया है तसीहे झेल के। ये अपने आप को मालिक समझने लगे हैं, ये अपने आप को समझते हैं हम ही राज करेंगे। अगर 140 करोड़ जनता समय पे, बस समय क्या रह गया भाई साहब, एक साल रह गया, अगर 140 करोड़ जनता ये तय कर ले कि हमने देश को बचाना है तो देश बच जाएगा। वरना ये मीडिया वाले खड़े हैं, दिखाना है दिखा दो, वरना चलो आने का शुक्रिया, चलो ये कैमरे लेके तो आ गए, चलो चलाना ना चलाना तो इनके बॉसेस का काम है, कम से कम हमारी तरफ मुंह तो कर रखे कैमरों के। ये इतने अहंकारी हो गए हैं बीजेपी वाले, अगर ये 2024 में जीत गए ये संविधान बदल देंगे, उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे देश में, प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे नरेंद्र मोदी की जगह। उन पुतिन ने भी ये कर रखा है कि 35 साल में ही रहूंगा राष्ट्रपति, ये आने वाला नरेंद्र पुतिन। अब देश को जागना पड़ेगा। तो ये डराते हैं, अरे इसी मैदान से शुरू हुए थे, इसी ग्राउंड से शुरू हुए थे, जन्मभूमि है आम आदमी पार्टी की। ये हमें मजाक करते थे, अरविंद केजरीवाल जी को मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए, जीत कर आइए। हम जीत कर आ गए, ये सड़कों पर बैठे हैं अब। ये कुदरत है, वक्त है, ये वक्त बहुत बड़ी चीज है। ये राजाओं से भीख मंगा देता है वक्त, ये भिखारियों के सर पे ताज चगा देता है वक्त। वक्त बहुत बड़ी चीज है। ये हमें जेल में डालकर तोड़ना चाहते हैं, हमारी टीम तोड़ना चाहते हैं। इनको मैं यही कहूंगा कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को बोलो अपनी औकात में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके दो नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा सा आवाज इतनी हो के वहां तक पहुंच जाए, ये लेफ्ट में ही है उनका, सबका घर उधरी है, थोड़ा सा ऐसा उनको लगे उनके घरों की शीशे हिले के कुछ हो रहा है रामलीला ग्राउंड में। बताने की जरूरत ना पड़े कि कितना कटता, आवाज ही बता दे, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल।